नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं जो का साइंस का पेपर होने वाला है 12 मई को, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। आपके एग्ज़ाम का किस तरीके से पेपर आने वाला है वही पेपर लेकर आए हैं। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जिसने भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने आपके विज्ञान विषय के लगभग 5 पेपर्स यानी कि 5 मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने 5 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारे चैनल पर जाना है, वहाँ पर जो है 5 पेपर्स आपको मिलेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। और एक जो है पेपर बच गया था, तो मैंने देखा एक पेपर जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा पेपर, वहाँ से आप पढ़ लेना। और ये जो आपका मॉडल पेपर है, ये सैंपल पेपर है, वो बताने वाले, क्योंकि इसी प्रकार यानी कि आपके साइंस के अंदर 21 प्रश्न आने वाले हैं। और जो पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इस पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल वैसा है का वैसा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। यानी कि इसका जो पैटर्न रहेगा, पेपर का पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है, उस पैटर्न को आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न आने वाले हैं। देखिएगा, पेपर आपका इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों को सही क्रम यानी कि सही आपको सामने लिखना है। जैसे प्रश्न पूछा, देखो खरीफ की फसल कौन सी, देखो आपकी रबी की, आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल आपको याद करना है। कोई सवाल आ सकता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, तो आपने कहा खरीफ की फसल, देखो यहाँ पर गेहूँ क्या है, ये हमने रबी की फसल है, गेहूँ है, जो है चना है, ठीक है, ये मटर वगैरह है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, मक्का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, खरीफ की फसल हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको जो एग्ज़ाम है इस तरीके से बढ़ना होगा, ठीक है, सब ऑप्शन बढ़ना। फिर बता रहा हूँ, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आने वाला है। अब क्वेश्चन आगे पीछे, मतलब क्वेश्चन अलग आ सकते हैं। अब प्रश्न, सारे प्रश्न कहाँ से आएंगे, सारे प्रश्न वहीं से आएंगे जहाँ से हमने 4-5 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस की है। इसलिए आप चैनल पर जाइए, चैनल पर जाने के बाद में 4-5 जो मॉडल पेपर हमने पढ़ रखे हैं उनको पढ़िए, क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न आने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा, मलेरिया रोग का वाहक कौन, देखो मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया किससे फैलता है, आपको पता ही है, मादा एनाफिलिस मच्छर से, यानी कि अ ऑप्शन आप भर देंगे। अब विद्यार्थी कहते हैं सर आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिख रहे हैं, तो ये देखो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो देखिएगा, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। क्या ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। सबसे पहले देखिएगा, गूगल ओपन करना है, और यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है आपको। देखिए सर्च क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, सर्च करना है studymandir.com। क्या सर्च करना है, studymandir.com, ये सर्च करना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर। सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट लिंक दे रखी है, इस पर देखो, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, स्टडी मंदिर पर। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नया पेज आपके सामने आ जाएगा स्टडी मंदिर का, ठीक है। और RN स्टडी मसाला का भी लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ तक आपको पहुँचना है स्टडी मंदिर, यहाँ पहुँचना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको पहुँचना है स्टडी मंदिर। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे, स्टडी मंदिर पर आ जाओगे। ये सर्च करना है गूगल पर studymandir.com, यहाँ पर आ जाएंगे होम पेज पर। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखो ये थोड़ा लिखा आ रहा है, RBSE क्लास 8 साइंस 12 मई का पेपर राजस्थान बोर्ड, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्टडी मंदिर पर एक नया पेज ओपन आ जाएगा आपको। देखो इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आना, क्या करना है, नीचे आना है, यानी स्क्रॉल डाउन करना है। फिर देखो यहाँ पर देख सकते हैं RBSE मॉडल पेपर 3, यहाँ क्लिक करें। अब पहले 2 मॉडल भी मैं अपलोड कर दिए टेलीग्राम पर, वहाँ से देख लेना। यहाँ से जो है डाउनलोड ऑल PDF, यहाँ सारे PDF आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। 6ठा मॉडल, 7वां पेपर, यानी कि सभी पेपर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, बस स्टडी मंदिर पर, जिसके लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, RN स्टडी मसाला की, आपको ये सर्च करना है स्टडी मंदिर। तो लिंक, संश्लेषित रेशा कौन सा, देखिएगा संश्लेषित रेशा यहाँ पर हम बताना है। तो देखो इसमें देखो वह हो जाएगा नायलॉन, क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो हमेशा किट को, यानी धातु होगी ना, धातु को ही पीटकर यानी कि चादरों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये गुण क्या कहलाता है, ये देखो ये कहलाता है आघात वर्धनीयता,
यानी कि धातु को पीट कर चादर बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यहाँ पर जो चांदी को पीट कर, यानी कि इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने एंड इंग्लिश के अंदर जो देखने वाले, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू सीट्स। तो आगे देखिएगा हमारा पांचवा प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, देखो कौन कौन से संसाधन समाप्त हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश कभी एंड नहीं होगा, वायु कभी एंड नहीं होगी, देखिएगा जल कभी एंड नहीं, यानी कि पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, ठीक है, ये सभी क्या है, संसाधन है। वनोन्मूलन का कारण, देखो वनोन्मूलन का कारण क्या होगा कि वर्ष कृषि के लिए वनों को काट देते हैं कोई लोग, है ना, तो वो क्या होता है, वनोन्मूलन का मुख्य कारण बन जाता है। इसमें हमें बताना वनोन्मूलन का, देखो ये जो है ईंधन के रूप में लकड़ी जलाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंतरिक निषेचन, देखो आंतरिक जो निषेचन होता है वह यहाँ पर मादा के शरीर में होता है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु, देखो संकटापन वन्य जंतु, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सवाल गलत दे रखा है। अब संकटापन जो वन्य जंतु है, देखो ये इसमें एक हो, देखो बारहसिंघा भी संकटापन है, जलीय भैंसा भी संकटापन है, तो यहाँ पर हमारा जो है देखो या तो बी आंसर या डी आंसर होगा, दोनों आंसर हो नहीं सकते। अभी सवाल थोड़ा अलग पूछा तो आप देख लें इस हिसाब से, ठीक है। मशीनों में वॉल बैरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता, तो जो मशीनों में वॉल बैरिंग होते हैं ना उसमें जो घर्षण होता है ना, घर्षण, तो घर्षण को क्या करते हैं, कम करने के लिए, माइनस कम करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसी वाद होने की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना, देखो हमेशा जो है यहाँ पर आवृत्ति किसकी होगी, वह पुरुष से कम होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट विद्युत का सुचालक, यानी कि सुचालक, देखो एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक वह होता है जिसमें यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती, और कुचालक वह जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर सुचालक कौन सा हो जाएगा विद्युत का, देखो विद्युत का सुचालक, देखो प्लास्टिक नहीं, लकड़ी नहीं, लोहा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लोहे में यानी करंट हो सकता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होती है, देखो छड़ क्या होती है कि यहाँ पर इसमें होगा, देखो छड़ क्या हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है जो छड़ होती है ना वह तो क्या हो जाती है, धनाभिषित, और जो कपड़ा है वह ऋणाभिषित हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है, भूकंप आने का क्या कारण है, तो देखो भूकंप आने का जो कारण है वो पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ हैं, वह हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन, देखो लाल ग्रह यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह दोस्तों पता ही है, लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली जो है गैस कौन सी हो जाएगी, भाई किस में जो है ऑक्सीजन क्षमता जो है कम करने की वाली गैस हो जाएगी, तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों वह जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न किस टाइप के हैं उसको भी देखते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने जो है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, पेपर इसी अकॉर्डिंग आने वाला है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आपको सारे प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ से जो है सभी प्रश्न आप देख लें, 4-5 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर ली है। एक पेपर बचा हुआ था तो मैंने देखा एक पेपर जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला देखो यहाँ पर खाली स्थान वाले रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या बचाते हैं, आपको पता ही इसमें जो है आप भर देना राइजोबियम, यानी यहाँ पर आप भर देना एक नंबर राइजोबियम। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड जो है यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जीवाणु, यानी कि दो नंबर ही आ जाएगा जीवाणु, यहाँ भरना है आपका जीवाणु, ओके, यानी ये तो था एक नंबर ये दो नंबर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा हो जाए, तो वो देखो बैकलाइट हो जाएगा, ये तीन नंबर। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धातुएं को ऑक्सीजन बनाती है, चार नंबर ये हो जाएगा। अब जीवाश्मिधन कौन सा हो जाएगा, तो आपको बताना जीवाश्मिधन जो है यहाँ पर वह हो जाएगा अपना पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक जीवाश्मिधन है। प्रवासी देखो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से परिवर्तन के लिए पलायन करते हैं, तो किसके लिए, मौसम का परिवर्तन, यानी कि मौसम उनके अनुकूल रहता नहीं। टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, सात नंबर भी ये हो जाएगा। जूते के तले के यानी कि घर्षण, यहाँ पर जो है घर्षण होता है ना, घर्षण कम ज्यादा होता है, यानी घर्षण के कारण घिस जाते हैं, ओके। चलिए और ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि काफ़ी कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए देख एंड देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है,
सही गलत वाले सवाल आपको बनने, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। भाई अप्रिय ध्वनि को संगीत कैसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इसमें फॉल्स भर देंगे। नेक्स्ट है, सजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आंसू जल में विद्युत धारा का चालन होता है, तो यहाँ पर देखो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें आंसू जल के अंदर क्या करना पड़ता है हमें, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, यानी कि लवण है, क्षारक है, और उसमें उसका घोल होना चाहिए, ठीक है, उदासीन, तभी वो चालन हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक है सभी। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा टी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लोहे में संक्षारित होने तरह जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई, लोहे में जंग लगने का कारण रहता है ना, प्रोजेक्टाइल बाद के संरक्षण से संबंधित है, ये वाला सही है, ट्रू है। अब देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मिलान करना रहेगा, चौथा प्रश्न है मिलान करने वाला है। तो देखो यहाँ पर रबी फसल, देखो रबी की फसल कौन सा हो जाएगी, गेहूं है, जो चना, एक प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ यहाँ पर हो जाएगा अपना मलेरिया का कारक हो जाएगा। कपास क्या है, कपास एक हो जाएगा प्राकृतिक रेशा है। डीजल क्या है, तो डीजल यहाँ पर मोटर ईंधन है। अन्न उत्पाद होते हैं अंडाशय के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमें कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, और हम क्या मिलाते हैं उसमें, उर्वरक मिलाते हैं। भाई आपको ऐसा सवाल भी आ सकता है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताइए, तो क्या बताना, अंतर बताना है कि खाद जो है प्राकृतिक होती है, जबकि उर्वरक क्या होते हैं, यानी कि कृत्रिम होती है। ये जो है ये खेत में तैयार होती है, जबकि ये कारखानों में तैयार होती है, तो आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, कैरम खेल, देखो भाई कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग होता है, भाई घर्षण कम करने होता है, यानी कि महीन पाउडर, किस पाउडर का उपयोग करते हैं, महीन पाउडर का यूज करते हैं, जिससे घर्षण जो है कम हो जाए। अब देखिएगा, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताना है, कोई भी ध्वनि प्रदूषक का नाम, जैसे मान लीजिएगा मशीन है, ठीक है, मशीन हो गई, कोई भी जैसे रेडियो है, लाउड स्पीकर है, कुछ भी लिख सकते हैं। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ, कुचालक मतलब इसमें जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती, जैसे मैंने कहा लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, कुछ भी आप लिख देना। विश्व उष्ण के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताना, तो वह हो जाएगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आप देखिएगा, पार्ट ए का सोल्यूशन कर लिया है, पार्ट बी का सोल्यूशन देख लीजिएगा आप। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसके आंसर देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा हो सके तो, बाकी आप पेपर देख लें, ठीक है। वीडियो का बड़ा हो चुका है, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित में से, कौन से कपड़े खरीदेंगे, कारण से लेकर ना, हम सूती सही भाई सूती के कपड़े पहनेंगे ना। धातु और अधातु में कोई तीन अंतर लिखना है। भाई देखो धातु में, यानी धातु की जो एक लिए तो गुण, भाई धातु देखो धातु क्या है कि धातु में बचाने पर आवाज निकलती है, जबकि यानी कि अधातु में आवाज मतलब बहुत नहीं आती। धातु यहाँ पर आप देख लीजिएगा कठोर होते हैं, और यहाँ पर धातु में क्या होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा कठिन। देखो संगमरमर का फर्श यहाँ पर यानी कि भाई देखो चिकना है फर्श, उसका चिकना है ना, तो पानी डालेंगे तो भाई हमारा जो है फिसलने का डर रहेगा, भाई घर्षण की बात हो रही है यहाँ पर, तो उदाहरण से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है। भाई आग बुझाने के लिए पानी से के लिए भाई विद्युत आपूर्ति बंद ही करेंगे ना आग बुझाने के लिए। भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या साधन बने, भूकंप से बचने के लिए क्या है, पहली बात तो घर से बाहर निकलना है, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी मोबाइल का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। सौर परिवार का नामांकित चित्र बना, देखो चित्र आने वाला, ठीक है, जैसे मानव हृदय का चित्र है, मानव कर्ण का चित्र है ना, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, कोई भी चित्र आ सकता है, मानव हृदय का आ सकता है। CNG और LPG यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस और लिक्विड यानी पेट्रोलियम गैस के रूप में आपको क्या लाभ है। देखो ये वाला सवाल देखिए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है, ये सवाल आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाना है। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाले सिंचाई के दो, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने कर लिया, ठीक है, कल की वीडियो में इनका सॉल्यूशन कर लिया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है,
वनोन्मूलन का कारण अर्थ बताना है, इनके कारण उल्लेख करना है, रेड डाटा पुस्तक क्या है और किन्हीं दो संकटापन जंतुओं के नाम को नाम लिखना है। इनका सॉल्यूशन भी हमने कल की वीडियो के अंदर यानी परसों वाली वीडियो के अंदर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मच्छर अपने पंख को देखो 500 कंपन प्रति सेकंड से औसत की दर से कंपी ध्वनि उत्पन्न करता है। मच्छर की आवृत्ति और इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो अगर देखो यहाँ पर हम पहले आवर्तकाल निकालना, तो आवर्तकाल निकालते ना, तो आवर्तकाल के अंदर क्या होता है सिंपल आपको पता ही है कि आप सूत्र याद करो। इसका सॉल्यूशन मैंने अभी सुबह वाली वीडियो के अंदर करा रखा है, इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, देखो आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है, आवर्तकाल बराबर क्या होता है यानी कि 1/आवर्ति। इसका सॉल्यूशन करा रखा है वैसे मैंने कल सुबह वाली वीडियो के अंदर करा था। तो एक आवर्ति कितनी है 500, तो डिवाइड करेंगे इसके अंदर यहाँ पर हमें मिलेगा 0.002, ये आंसर हो जाएगा यानी कि 0.002 सेकेंड्स। अब ऑलरेडी करा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने सुबह इसका सॉल्यूशन कराया है, आप देख लेना पिछले वाली वीडियोस। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग पर ध्वनि उत्पन्न होती है, इस भाग का नाम लिखना है। ध्वनि आप देख रहे हैं ध्वनि किस में उत्पन्न होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के चारों उपाय बताने हैं। वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करना है। तो देखिएगा ये मॉडल पेपर जो कि नया जारी किया गया है मैंने बता दिया है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे कि आपको ऐसे पेपर मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है ये आपका जो ऑफिशियल मेडल पेपर है, ठीक है। अब मैंने जो है 6 पेपर थे, 6 में से 5 जो है पेपर ऑलरेडी डाल दिए, और ये देखिए ये पेपर अलग था, ये मॉडल पेपर है। अब उस एक पेपर को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जाकर देख लेना, उसे रीड कर लें, क्या पता उन्हीं में से जो है 4-5 सवाल आ जाएं। अब देखिएगा लगभग 6 पेपर डाले हमने, अब 6 में से सारे क्वेश्चन हर बार हर पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। लगभग 80% सवाल हमारे चैनल से आते हैं विद्यार्थी, ये हमें नहीं, ये हम नहीं कहते, ये हमारा यानी परिणाम बोलता है। विद्यार्थी कमेंट करते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ, विद्यार्थी कहते हैं सर आप जो प्रश्न बताते हैं वही प्रश्न हमारे आते हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं और अपना मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, वीडियो को लाइक बहुत करते हैं, बहुत कम विद्यार्थी लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद और वंदे।